सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तौफीक दे तो जिक्र व अज़कार, तौबा इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ वगैरह में वक्त गुजार कर आप जल्दी से सोने की कोशिश करें, ताकि ठीक आप 3:45 से 4 बजे तहज्जुद के लिए बेदार हो जाएं। और तहज्जुद के हवाले से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहु अकबर, जिस घर में नमाज तहज्जुद अदा की जाती है वो घर इस तरह से आसमान के फरिश्तों को चमकता दिखाई देता है जिस तरह से हम जमीन से आसमान पर चमकते हुए तारों को अपने माथे की आंखों से देखते हैं, यानी उस घर से नूर निकलता है। तो तहज्जुद का एहतमाम करें। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि वो वक्त रात का आखिरी पहर होता है, तो सूफियाए किराम औलियाए किराम अलैहिम रिदवान की सिफत कुरान मुकद्दस में एक ये भी बयान की गई है, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कि अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे सहर के वक्त यानी रात के आखिरी पहर सहरी के करीब वो इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। और ये वक्त इतना अजीम वक्त होता है कि इस वक्त अगर इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वाले, मग़फ़िरत तलब करने वाले की बख्शिश फरमा देता है। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि तहज्जुद के वक्त बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा करके अल्लाह की बारगाह में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार यानी एक तस्बीह का विर्द जरूर करें। अगर नहीं कर सकते तो जितनी मरतबा भी आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हो उतनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, और उसके बाद दुआ करें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की दुआ की कबूलियत के हवाले से इरशाद फरमाया है। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।